हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जिला कांगड़ा में पहली बार ज्वालामुखी मंदिर न्यास की तरफ से 11 आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों को फल बांटे गए। बाल विकास परियोजना अधिकारी प्रवीण कुमार ने बताया कि ज्वालामुखी मंदिर के आसपास जो 11 आंगनबाड़ी केंद्र हैं, उनमें मैडम निशा सिंह एवं डीसी कांगड़ा के आदेशानुसार मंदिर न्यास की तरफ से फलों का वितरण किया गया। हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जिला कांगड़ा में पहली बार ज्वालामुखी मंदिर न्यास की तरफ से 11 आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों को फल बांटे गए। बाल विकास परियोजना अधिकारी प्रवीण कुमार ने बताया कि ज्वालामुखी मंदिर के आसपास जो 11 आंगनबाड़ी केंद्र हैं, उनमें ACS मैडम निशा सिंह एवं DC कांगड़ा के आदेशानुसार मंदिर न्यास की तरफ से फलों का वितरण किया गया। उन्होंने बताया कि बच्चों को जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता होती है वो इन फलों से पूरी होगी और बच्चे आंगनबाड़ी केंद्रों में खुशी खुशी आएंगे और आने वाले समय में आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों की संख्या में बढ़ोतरी भी होगी, उनको कुपोषण से मुक्ति मिलेगी और रोगों से लड़ने की क्षमता भी बढ़ेगी। ज्वाला माता के दरबार के जो आसपास के हमारे आंगनवाड़ी केंद्र हैं, जो बाल विकास परियोजना देरा द्वारा संचालित किए जा रहे हैं, उन 11 आंगनवाड़ी केंद्रों में जो है आज हमारे ACS मैडम श्रीमती निशा सिंह जी के आदेशानुसार और उनके आदेशों की अनुपालना में जिलाधीश कांगड़ा द्वारा जो है वो आज यहाँ पे फलों का वितरण किया गया है। जो आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चे आते हैं उन सभी को आज आंगनबाड़ी केंद्रों में फल वितरित किए गए, जो कि बच्चों का जो माइक्रो न्यूट्रिएंट की आवश्यकता होती है वो इन फलों से वो उनकी पूर्ति होगी और बच्चे यहाँ खुशी खुशी आएंगे और इनमें आंगनबाड़ी केंद्रों में जो उनकी संख्या भी बढ़ेगी, साथ में उनका कुपोषण वगैरह से जो भी है वो भी मुक्ति मिलेगी, साथ और जो है उनमें जो है रोगों से लड़ने की क्षमता भी बढ़ेगी।